हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने चार एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाए। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31st March 2019 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, काफी बड़ा ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टमेंट्स दे रखी है आपको 9, क्योंकि हम बहुत सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं तो हमें उन सब की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए कितनी एडजस्टमेंट्स हैं, 9 एडजस्टमेंट्स, 9 के 9 रिवाइज हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। देखो फटाफट से कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स रखी है। आपको पता है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी है और एक्सपेंस, जिस भी एक्सपेंस या इनकम की है उसको ट्रायल बैलेंस में मार्क करना है। क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता ही है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो आप क्या करोगे, फटाफट से वेजेस के आगे लिख दोगे कि सेकेंड एडजस्टमेंट इससे है, ठीक है। उसके बाद बैड डेट 600, थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी डेटर्स की, तो आप डेटर्स के आगे लिख दोगे कि भाई थर्ड एडजस्टमेंट तेरी है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4th, तो मतलब 4th भी इसी की है, ओके। नेक्स्ट है रेंट इज पेड फॉर 11 months, तो रेंट के आगे लिख दो 5, राइट। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम की है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के आगे लिख देंगे 6, यहाँ मैं लिख दूंगा 6। उसके बाद 7th किसकी है, लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक लोन आपको कुछ दे रखा होगा, दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, और बैंक लोन के आगे आपने लिख दिया 8। उसके बाद आपका है 9th इज मैनेजर कमीशन, वो हमें पता ही है, मैनेजर कमीशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो फटाफट से क्या करोगे आप और मैं भी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का एक साथ आपको फॉर्मेट बनाना है, दोनों को हम साथ साथ प्रिपेयर करते हैं, आपको पता ही है। तो फटाफट से फॉर्मेट प्रिपेयर करो, जब तक मैं भी कर लेता हूँ, चलो। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट हम कर चुके हैं प्रिपेयर। जल्दी से एक एक करके आइटम्स को पोस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कैपिटल, 80,000 का आपको कैपिटल दे रखा है। कैपिटल डाल दोगे फटाफट से आप बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल, और आपको पता है कैपिटल में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लो कि दिस इज काइंड ऑफ एन ओपनिंग बैलेंस, कितना है 80,000 rupees, राइट। उसके बाद आपका सेकंड आइटम आपको दे रखा है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आपकी है 18,000 की, आपको पता है कैपिटल में से माइनस करनी है, तो कैपिटल में से लेस करके हम दिखा देंगे आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की, 18,000 की आपने माइनस करनी है, राइट। ये भी हो गया, नेक्स्ट आइटम फटाफट से। नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स आपको दे रखी है 1,55,000 की, 1,55,000 की सेल्स है, और जब भी आप सेल्स को पोस्ट करते हो उस टाइम देखना ज़रूरी है कि क्या सेल्स रिटर्न्स तो नहीं है, तो फटाफट से देखो क्या कहीं सेल्स रिटर्न दे रखे, मुझे तो नहीं दिख रहे। एक रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है, बट रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न, नॉट सेल्स रिटर्न। तो सेल्स आप सिंपली 1,55,000 लिख सकते हो, तो बाय सेल्स 1,55,000, 1,55,000, ओके। नेक्स्ट, परचेजेस 82,600 की है, और परचेज के साथ आपको क्या देखना है कि क्या कोई परचेज रिटर्न दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड 1,600, तो नेट परचेजेस आप यहाँ पे लिख लोगे 2 purchases 82,600, बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेस परचेज रिटर्न 1,600, और नेट परचेज आपकी आ जाएगी 81,000, चलो भाई ये भी हो गया। नेक्स्ट, परचेज के बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1st April 2018, आप कौन से ईयर का बना रहे हो, ईयर एंडेड 31st March 2019 का, तो 1st April 2018 इज ओपनिंग स्टॉक, कितना है 42,000, जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो 2 opening stock। सो अभी तक हमने कुछ खास नया नहीं किया है जो हमने पहले प्रैक्टिस ना कर रखा हो, अभी तो हमने भाई नॉर्मल आइटम्स लिखी है, देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 1200 का, कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज पे जो आप कैरेज पे करते हो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 carriage inward 1200 का, तो कैरेज इनवर्ड आपने लिख दिया 1200, ठीक है। वेजेस, और वेजेस की एडजस्टमेंट है, है ना, वेजेस की एडजस्टमेंट दे रखी है 4000 की, वेजेस है एडजस्टमेंट, है एडजस्टमेंट नंबर 2, वेजेस आउटस्टैंडिंग 2400, आपको एक्सपेंस दे रखा है 4000 का, 2400 आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, वेजेस प्लस जो आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जो वेजेस का एक्सपेंस हो चुका है आपने पे नहीं करा है, तो इस साल का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस की
क्या दो ट्रीटमेंट आप करते थे, एक तो एक्सपेंस में ऐड करोगे, दूसरा लाइबिलिटी साइड पे, क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं करा, करेक्ट। फटाफट से लिखते हैं, वेजेस होता है आपका डायरेक्ट, तो यहीं पे हम लिख लेंगे टू वेजेस 4000, और इसी में मैं क्या करूँगा, इसी में मैं ऐड कर दूंगा एट आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 2400, तो टोटल एक्सपेंस आपका कितना हो गया 6400, कितना हो गया 6400, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स आप करोगे उसके दोनों ट्रीटमेंट्स आपको एक साथ करने हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए, बैलेंस शीट आपकी उस केस में पक्का मैच हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ लिखते हो, लाइबिलिटी साइड पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 2400, डन, ठीक है। नेक्स्ट आइटम बहुत जल्दी करेंगे, पावर आपको 6000 की दे रखी है, आपको पता है जो आपके पावर फ्यूल होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, पावर और फ्यूल हम फैक्ट्री के एक्सपेंस मानते हैं, 6000 आप लिखोगे कहाँ पे, ट्रेडिंग में ही, तो यहाँ लिख देंगे टू पावर 6000 रुपीज, ओके डन। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट आइटम इज मशीनरी, 50000 की मशीनरी का आपको डेप्रिसिएशन दे रखा था, जो हम यहाँ पे लिखना ही भूल गए थे भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। मशीनरी की एडजस्टमेंट थी नंबर 8, 50000 की मशीनरी है 50000 की, उस पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 10% का, राइट। ये वाली जो हमारी 8th वाली आइटम थी शायद हम पढ़ना भूल गए थे, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मशीनरी 50000 और 10% का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, 50000 का 10% कितना आ जाएगा आपका 5000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिख दोगे, थोड़े सी हम यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीनरी का भी है और फर्नीचर का भी है, तो हम साथ साथ लिख सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है 5000, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, मशीनरी में से लेस करके दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में पहले आप क्या करोगे, पहले मशीनरी लिखो, एसेट ही है ना आपका मशीनरी, 50000 का आपका मशीनरी है, इसमें से आप लेस करोगे इसका जो डेप्रिसिएशन है, कितना डेप्रिसिएशन है 5000 का, तो आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू आ गई 45000, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर, कितने का 14000 का, इस पे डेप्रिसिएशन है 5%, सेम ट्रीटमेंट, 14000 का 5% इज 700, तो यहाँ हम लिख लेंगे फर्नीचर पे आपने क्या लिख दिया 700, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 5700, और सेकंड ट्रीटमेंट आपको साथ साथ करना है, राइट। तो जो फर्नीचर है आपका वो 14000 का है, हाँ जी 14000 का है, 14000 का यहाँ पे आप लिख लो फर्नीचर 14000 लेस उसका डेप्रिसिएशन, 14000 माइनस उसका डेप्रिसिएशन 700, लेस किया 13300 फर्नीचर की बुक वैल्यू, डन, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट इज रेंट, और रेंट की आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, रेंट आपको दे रखा है 22000 का, राइट, 22000 का रेंट है, और ये है 5th एडजस्टमेंट, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो 22000 रुपीज़ का आपने रेंट पे किया है वो एक्चुअली में 11 मंथ्स का है, कितने मंथ्स का है, 11 मंथ्स का, मतलब आपने एक महीने का रेंट पे नहीं किया, रिकॉर्ड भी नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रेंट है, 22000 आपके 11 मंथ्स का है, 11 से डिवाइड करोगे मतलब 2000 रुपीज़ पर मंथ, 2000 रुपीज रेंट का एक्सपेंस आ गया, 2000 रुपीज रेंट का एक्सपेंस है जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, पे नहीं करा, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो सिंपल एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट की, राइट। तो रेंट आएगा आपका कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखते हैं टू रेंट 22000, और इसमें जो आपने इस साल रिकॉर्ड नहीं करा आउटस्टैंडिंग रेंट वो आप ऐड कर दोगे कितना 2000, तो पूरे साल का एक्सपेंस कितना है 24000। इसका सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्तों, सेकंड ट्रीटमेंट वुड बी लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 2000, दोनों ट्रीटमेंट हो गए, गलती का कोई चांस ही नहीं है, आओ फटाफट से नेक्स्ट। रेंट आपका हो गया, सैलरी 15000, सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, सिंपली सैलरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे, टू सैलरी 15000, ओके। नेक्स्ट आइटम इज इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है नंबर 6, 3600, और इंश्योरेंस के लिए क्या बोला, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, हाँ या ना, किया था, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा इसका क्या करना है। देखो आपको क्या बोला गया, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम, कहने का मतलब है कि जो 3600
का इंश्योरेंस आपने पे किया है, जो रिकॉर्ड कर रखा है, वो पूरे साल का है। अच्छी बात है, हमें पूरे साल का चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो वो 12 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 31 मई को, 31 मई 2019। और आज जो अकाउंटिंग कर रहे हो, कौन से फाइनेंशियल ईयर की, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब अप्रैल एंड मई दो महीने का इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे कर दिया, क्योंकि ये दो महीने का एक्सपेंस आपको अभी थोड़ी रिकॉर्ड करना है, हाँ या ना, ये तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो अप्रैल और मई जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। 3600 आपका 12 मंथ्स का है, 3600 इज फॉर 12 मंथ्स, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो एक महीने का आ जाएगा। मुझे चाहिए दो महीने का, कितने का, दो महीने का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600। तो 600 रुपीज का जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हो, तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो आप इस एक्सपेंस में से माइनस करोगे, 3600 में से 600 माइनस करोगे, प्लस जो 600 आपने एडवांस में पे कर दिया, वो आपका एसेट है, एसेट में रिकॉर्ड करोगे। तो करो फटाफट से, आ जाओ इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालो, टू इंश्योरेंस 3600 और लेस कर देंगे जो आपका प्रीपेड है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना प्रीपेड है 600, माइनस कर दिया तो 3000 रुपीज का आपका इंश्योरेंस इस साल का एक्सपेंस है। और जो आपने प्रीपे किया है, वो हम एसेट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे एक साथ, प्रीपेड इंश्योरेंस। मुझे बताओ क्या ऐसे बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी, 100% होगी, ठीक है। आओ फटाफट से नेक्स्ट आइटम पे। ओके, नेक्स्ट आइटम इज 8% बैंक लोन। पहली बात तो बैंक लोन के आगे जो आपको परसेंटेज गिवन है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कशन की थी, कोई भी चीज के आगे जो परसेंटेज आपको गिवन होगा, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बैंक लोन आपने लिया है, आपकी लाइबिलिटी है 25,000 की, उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट पे करना है। पहली बात तो ये, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या है, लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1st October 2018। तो बेसिकली देखो, इन्होंने आपको क्या बोला कि 1st October 2018 को आपने लोन लिया है, 1st October को, ठीक है। तो जो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक लोन पे, आपको 8% इंटरेस्ट पे करना है। कब से करना होगा, 1st October से लेके 31st March, 6 months के लिए। क्या आपने पूरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का अकाउंट देखा, नहीं देखा, क्योंकि है ही नहीं, ये सर नो, नहीं है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा, पे भी नहीं करा। अगर पे किया होता तो रिकॉर्ड किया होता, पे नहीं करा, रिकॉर्ड भी नहीं करा। तो एडजस्टमेंट किस चीज़ की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, जो आपने 6 महीने के लिए पे करना है, किया नहीं है। एक तो किया नहीं है, एक्रू तो हो चुका है ना, आउटस्टैंडिंग तो है, इस साल का एक्सपेंस तो है। तो 6 months का हम क्या निकालेंगे इस पे, इंटरेस्ट 25,000 का 8% फॉर 6 months, देखें जरा कितना आएगा, 25,000 8% फॉर 6 months इज 1,000 rupees। तो 1,000 rupees का आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या दो ट्रीटमेंट होंगे, एक तो आप इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे 1,000 rupees का, दूसरा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी, ये सुनो सिंपल। तो पहले तो हम 1,000 rupees का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1,000 rupees। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या होगी, जो आपका बैंक लोन दे रखा है 25,000, एक तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको बैंक लोन। तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या तो आप बैंक लोन में ऐड करके दिखा दो कि 25,000 का बैंक लोन है और इस पे क्या है, इस पे आपका 1,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अलग से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000, ठीक है। तो टोटल आपकी लाइबिलिटी हो चुकी है 26,000 की, 25,000 का बैंक लोन वो भी आपकी लाइबिलिटी, 1,000 का इंटरेस्ट वो भी आपकी लाइबिलिटी, टोटल आपकी बैंक लोन की लाइबिलिटी हो चुकी है 26,000, क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, नेक्स्ट अकाउंट क्या है, डेटर्स बैड डेट्स और प्रोविजन की एडजस्टमेंट आ गई है, ठीक है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि सबसे पहले तो कि डेटर्स के लिए बोला है कि बैड डेट हो गए 600 के, मतलब ये कौन से हैं, एडिशनल बैड डेट्स जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं करे, अभी तक आपने डेटर में से माइनस नहीं करे। इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, बैड डेट्स है भाई, दूसरा डेटर में से माइनस होगा, डन। उसके बाद आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। क्या ओल्ड प्रोविजन बना रखा है आपने, नहीं बना रखा, तो सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों के ट्रीटमेंट साथ में कर सकते हैं, आपको पता है अलग अलग भी कर सकते हैं,
डेटर कितने के हैं, डेटर है आपके 20,600 के। तो अगर मुझे पहले ये कैलकुलेट करना है कि प्रोविजन कितना बनेगा, प्रोविजन कितना बनाओगे, 5% ऑफ डेटर्स, कौन से डेटर्स, बैड डेट लेस करने के बाद, बहुत डिटेल में डिस्कशन करिए, राइट, 20,600 माइनस जो आपके ये बैड डेट्स हो गए, तो 20,000 का 5%, 20,000 का 5% विल बी 1,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, 600 रुपीज के बैड डेट्स हैं, दोनों ट्रीटमेंट साथ साथ करेंगे, पहले बैड डेट को रिकॉर्ड कर लो, हम यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों को, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहो वो भी कर सकते हो, टू बैड डेट्स कितने थे 600 और जो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 1,000, इसको आपको क्या करना होता है, डेटर में से माइनस करना होता है, जल्दी से आ जाओ पहले लिखो तो सही, डेटर डेटर आपने लिखे कितने के थे ट्रायल बैलेंस में 20,600 के, 20,600 के डेटर्स थे, इसमें से आप लेस करोगे जो आपके फर्दर बैड डेट हुए हैं, फर्दर बैड डेट कितने के 600 के माइनस जो आपने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको लग रहा है कि 1,000 रुपये और डूब जाएंगे तो माइनस कर दिया और ये कितना आ जाएगा 19,000, क्या मेरी बात क्लियर है, यस और नो, सिंपल था राइट। नेक्स्ट आइटम क्या है, आई थिंक खत्म होने वाला हमारा, क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 18,900 के, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको पता है क्या करना है, बैलेंस शीट में डाल दोगे क्रेडिटर्स 18,900, ओके। नेक्स्ट आइटम इज कैश इन हैंड 1,500 का, तो कैश इन हैंड तो आपको एसेट साइड पे दिखाना है, कैश इन हैंड कितना है 1,500, तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है, आपको पता है कि अभी भी दो एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक 64,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, स्टॉक है एसेट है, लिखो जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है आपका 64,000 का, ठीक है सर, सारा तो हो गया, अभी नहीं हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनो, एक एडजस्टमेंट बाकी है, देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गई, ये भी 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 हो गई, लास्ट बच गई, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर कमीशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, हाँ या ना, तो इसको आपको निकालना है नेट प्रॉफिट पे, तो पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, जल्दी से निकाल लो, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप 1,55,000 प्लस 64,000, 2,19,000, रफ में लिखो 2,19,000, डेबिट साइड का टोटल करो 42,000, 81,000, 1,200, 6,400, 6,000, 136,600, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ये 136,600 है, वो 2,19,000 है, तो यहाँ लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, आ कितना रहा है जरा देखें, 2,19,000, तो ये आ रहा है 82,400, ठीक है, फिर उसके बाद यही ग्रॉस प्रॉफिट आप नीचे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना है 82,400, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, ओहो हो, तो फिर तो बस आपको क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है 600 प्लस 1,000 प्लस 5,700 प्लस 24,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, ये आ रहा है 50,300 और ये है 82,400, तो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है कितना 32,100, लेकिन आपको अभी 32,100 कहीं लिखना नहीं है, जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला है उस नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो आपने निकाला है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्यों, क्योंकि अभी तक आपने मैनेजर की कमीशन तो लेस ही नहीं करी, अभी आपने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 32,100, बिल्कुल सही। अब देखो मैनेजर कमीशन के लिए आपको क्या बोला गया है कि मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आपको पता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या, सिंपली आपको जो भी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आया है इसको मल्टीप्लाई करना होता है कमीशन के रेट से 10% से, किससे 10% से, और अगर ये दे रखा होता आफ्टर चार्जिंग तो हम करते 10/110, इतना डिफरेंस होता राइट। तो मैनेजर की कमीशन आपकी आ गई कितनी 3,210, तो हम यहां पे लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन,
कितनी आ गई, 3210। हमने सिंपली क्या किया, हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, जितने भी आइटम्स बाकी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट उसमें पोस्ट करे हैं उससे निकाल सकते हैं, निकाल लिए। जैसे आप नॉर्मली नेट प्रॉफिट निकालते हो निकाल लो, लेकिन वो नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक एक्सपेंस बाकी है। कौन सा एक्सपेंस? मैनेजर कमीशन। तो आपने वो लिख दिया वर्किंग नोट में 32,100। अगर आपको दिया है बिफोर चार्जिंग कमीशन से निकालना है तो सिंपली रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन से निकालना है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यहां बिफोर था तो 10 अपॉन 100 कर दिया, सिंपल। अब आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 32,100 था बिफोर मैनेजर कमीशन, आफ्टर मैनेजर कमीशन आ गया हमारा 28890। 32,100 में से 3210 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। यहां लिख देता हूं मैं 2 नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट मेरा आएगा 288890। बात समझ में आई, दोनों का टोटल यहां पे लिख लेना, और यही नेट प्रॉफिट मैं क्या करूंगा कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 28890 28890। राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मैनेजर कमीशन आपने लिखी है 3210, ये भूल मत जाना कि ये अभी आपकी लायबिलिटी है। जो मैनेजर कमीशन आपने लिख दी 3210, आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करी थी। अगर मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बताता हूँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक तो पहले आप इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, मैनेजर कमीशन डेबिट, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट 3210, और क्योंकि आपने पे नहीं करी तभी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रही, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अभी तक आपने पे नहीं करी है तो 3210, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कहाँ आएगा, ऑफ कोर्स आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, तो भूल मत जाना इसको लिखना, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन 3210। अब होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, खत्म नहीं हुआ, बैलेंस शीट मैच करनी है, लेकिन हमने सारा ट्रीटमेंट सबका कर लिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट का बस आपको टोटल निकालना है, कैपिटल का निकाल लो पहले, 80,000 माइनस 18,000 प्लस 28890 90890 90890। अब देखते हैं बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई, क्या लगता है आपको, देखते हैं। 2400 प्लस 2000 प्लस 26,000 प्लस 18900 प्लस 3210, और मेरा बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 143400। अच्छा ठीक है, एसेट साइड का टोटल भी देखते हैं, 45,000 13300 600 19,000 1500 प्लस 64,000 और बैलेंस शीट हो गई मैच 143400। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे ही अगर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, हमेशा मैच होगी बैलेंस शीट। राइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप मुझसे पूछ लेना। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स रहती है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा आपका खत्म, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।